नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जॉली मसीह मथारू और चाहत मसीह। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहेंगे कि आप कैसे, कहाँ से आपने एजुकेशन ली है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है अपनी, कहाँ से सब कुछ आपकी जो थी जर्नी वो बताइएगा। नमस्ते, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल के लिए कि आपने हम लोग को एक मौका दिया अपने इन्वेंशंस के बारे में बात करने का। मेरा नाम है डॉक्टर जॉली मसीह मथारू और मैं एक कृषि वैज्ञानिक और एक प्रोफेसर हूँ। फ़िलहाल मैं BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और साइंटिस्ट हूँ और मेरी जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर कृषि और मार्केटिंग और आजकल एक वर्ड चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने BSc करी थी एग्रीकल्चर से MPU2 उदयपुर। उसके बाद में मैं अपनी PhD की शोध के लिए ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी अमेरिका गई। इंडिया में मैं ICR में पढ़ती थी, फिर मैं 2.5 साल के लिए यूरोप गई नेदरलैंड्स अपनी पढ़ाई के लिए, और फिर बस इंडिया के कुछ देश के लिए करने की चाह थी और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने ये इनोवेशन की जर्नी स्टार्ट करी जिसमें मेरा साथ मेरी बहुत टैलेंटेड भतीजी चाहत ने दिया। मेरा नाम चाहत मसीह है और मैंने मेरी एजुकेशन सेंट जेवियर स्कूल से करी है, जयपुर से ही, और फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गई हूँ। वहाँ अभी मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ जिसमें मेरा मेजर बायो कंप्यूटेशन में है, जो कि अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है काफ़ी। तो वहाँ मैं बुआ से इंस्पिरेशन लेके और एक प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रही हूँ जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आपने जैसे कि बताया कि आपकी एजुकेशन ही AI इंटेलिजेंस में, AI टेक्नोलॉजी में है और आप खुद एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, तो जो प्रोडक्ट है जो आपने लेकर आए हैं जो आम जन के लिए, जो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताइएगा। अभी हम लोग दो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक है नियोनेटल चिप और थर्मल मैट्रेस, जिसके बारे में आपको बेहतर डिटेल्स चाहत दे पाएंगी क्योंकि ये इस पर काफ़ी सालों से मेहनत कर रही हैं। दूसरा है एग्रीकल्चरल ड्रोन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा किसानों में चर्चित है, लेकिन हमारा ड्रोन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा छोटा है, तो हम एक एक करके उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आई थिंक एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि भारत के गांव-गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए और हर छोटे कस्बे में अगर हो सके तो सरकार को उसका मुफ्त वितरण करना चाहिए, वो है नियोनेटल ड्रोन एंड चिप। नियोनेटल मैट्रेस जो है वो एक नॉर्मल मैट्रेस है, उसमें वायर्स लगे हुए हैं जो कि हीट रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो क्या होता है ना, गांव में मैंने देखा, हमारा बड़ंगा में उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे हमारा एक फार्म है, तो हम काफ़ी जाते थे बड़े नाना के साथ, और तो वहाँ मैंने ये प्रॉब्लम बहुत देखी है कि बच्चे प्री मेच्योर बॉर्न हो जाता है और वहाँ आसपास हॉस्पिटल्स की इतनी फैसिलिटी नहीं है, है भी तो भी इनक्यूबेटर्स जैसी महंगी मशीनें वहाँ पे उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वहाँ पे बच्चे काफ़ी इस वजह से बहुत जल्दी बॉर्न होते ही मर जाते हैं। तो और उनका मेन एक कारण जो रहता है वो रहता है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है बहुत गिर जाता है और फिर उसको वापस बच्चे को वार्म रखने के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं वो लोग, नॉर्मल ब्लैंकेट से वो काम हो नहीं पाता, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने ये नियोनेटल मैट्रेस बनाया है जो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर लेवल पर सेट कर देता है। अगर बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है वो नॉर्मल रखेगा, बट अगर बच्चे का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो और वार्म हो जाएगा, ताकि बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है अल्टीमेटली एक लेवल पर आके सेट रहे और बच्चा मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर रहे। उसके अलावा उसके साथ हमने एक चिप भी डिज़ाइन करी है जो बच्चे के हाथ पे या फिर एक बैंड के थ्रू उसके हाथ पे लग जाएगी, जैसे स्मार्ट वॉचेस होता है वैसे, और वो बच्चे का हार्ट रेट, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ये सब कुछ मॉनिटर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलती रहती है, बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ ब्लूटूथ से कनेक्ट होके एक मॉनिटर पे स्क्रीन पे आ जाएगा, तो डॉक्टर्स को भी पेरेंट्स को भी दिखता रहेगा कि हाँ भाई बच्चे का टेम्परेचर अभी इतना चल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर इतना चल रहा है, तो उससे क्या रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगी, कुछ भी गड़बड़ हुआ और उसी टाइम वो उसको सही कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए है, तो इसमें क्या खुद वो कर सकती है, इसमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? इस प्रोडक्ट
को जब हम बना रहे थे तो हमने कुछ 500 ग्रामीण महिलाओं से बात करी कि क्या आपको पढ़ना लिखना आता है। उसमें से करीब 50% महिलाओं का कहना था कि नहीं, हमें पढ़ना नहीं आता। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें टेक्नोलॉजी तो डेवलप करनी है लेकिन उसको इतना सिंपल बनाना है कि कोई भी ग्रामीण महिला जो है कुछ संकेत देखकर ही समझ पाए। तो इसीलिए हमने इस नियोनेटल मैट्रिक्स और इस चिप के डिज़ाइन को इस तरीके से बनाया है कि जब बच्चे का टेम्परेचर, मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस, तो अगर बच्चे का टेम्परेचर 38 डिग्री से मान लीजिए 36 जा रहा है या 34 जा रहा है तो एक ब्लू लाइट जल जाएगी, जिसका ये मतलब है कि बच्चा ठंडा हो रहा है, उसको गर्माहट की ज़रूरत है। उससे क्या होगा, जो मैट्रेस है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम से, जो कि बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए, इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है सेहत को, वो अपने आप गर्म होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा वापस तो लाइट लाल रंग की हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब टेम्परेचर नॉर्मल है। तो ये जो नीली लाइट का जलना, लाल लाइट का जलना, ये ऐसे संकेत हैं जो कि कोई भी ग्रामीण महिला आराम से समझ सकती है। दूसरी चीज़ जो हमने चिप, जो अभी हम डिज़ाइन ही कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे का ब्लड प्रेशर, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल, बच्चे की पल्स रेट, ये सारी जानकारी आए, उसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि रीडिंग्स के साथ साथ वो बोले भी, कि जैसे जब भी कोई माँ देखना चाहे कि उसके बच्चे की पल्स रेट क्या है, 100 है, 110 है, तो उस बटन को प्रेस करते ही वो बोलेगा 110 100, क्योंकि मैंने देखा है गांव के लोग बोली हुई बात को समझ लेते हैं लेकिन उनको अगर ये बोला जाए कि 100 आप पढ़ के देखिए, वो शायद उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो हम लोग हर तरह से इस टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण लोग, स्पेशली महिलाएँ, इसको समझ पाएँ, इसको आसानी से अडेप्ट कर पाएँ। दूसरी चीज़, जो ये मैट्रेस है इसको आप घर पर धो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गाँव के अंदर जो है पानी की समस्या होती है और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बार बार ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजा जाए वो गाँव के परिवेश में नहीं रह सकती। तो इसमें हमने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ करा है, कॉटन यूज़ करा है, एक सेल्यूलोस मैट्रेस है जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं अगर बच्चे ने उसको ख़राब कर दिया, पेशाब कर दिया है, उसमें पॉटी कर दी है। तो ये इस तरीके से बना हुआ है कि महिलाएं इसको घर में ही धो के सुखा सकती हैं और इसको बार बार यूज़ कर सकती हैं। और साथ में जो चिप है वो भी इस तरीके से बनाई गई है कि वो बारिश में भीगने से या पसीना आने से या बच्चा अगर कभी दूध गिरा दे या उल्टी कर दे उससे वो ख़राब ना हो। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम कुछ 1500 से 2000 के बीच में ये सेट गांव वालों को दे सकें और हमारी सरकार से गुजारिश रहेगी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर भारी मात्रा में खरीदे जा सके और गांव वालों को मुफ्त किसी योजना के तहत दिए जा सके तो ये एक बहुत ही सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर एक बहुत ही सकारात्मक चेंज लाने में मददगार साबित होगा। इसके प्राइमरी बेनिफिट्स, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आप बता सकें कि कैसे महिलाएं और बच्चे इससे रूबरू होंगे, कैसे उनके लिए बेनिफिशियल होगा? जी देख सकते बाकी प्रोडक्ट से अलग। जी देखिए, मैं पिछले 15 साल से रिसर्च के फील्ड में हूँ और मैंने ये देखा है कि गांव के अंदर जो, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ मॉर्टेलिटी रेट, मतलब कि बच्चों का पैदा होते ही उनकी डेथ हो जाना, ये रेट हमारे भारत के अंदर जो है वो कुछ 38% है और भारत जो है वो दुनिया के छठे नंबर के ऐसे देशों में आता है। हमसे 5 ऊपर 5 अफ्रीकी देश हैं। एशिया में भारत ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की मृत्यु होती है। तो ऐसी कंडीशन में एक इस तरह का इनोवेशन मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है जो कि बच्चों की जान बचा सके, साथ के साथ जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें भी ये ट्रेन किया जा सके कि किस तरह से आप अपने बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से इसलिए अलग है क्योंकि एक तो इसके अंदर कोई बड़ी मशीन, कोई महंगी मशीन यूज़ नहीं हो रही है, बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है। 1500 से 2000 के बीच में इसकी अभी कॉस्टिंग आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में इसकी कीमत और थोड़ी कम की जा सके। दूसरी चीज़, जो गांव बहुत दूर हैं जहां से हॉस्पिटल पहुंचने में आधा घंटा या एक घंटा लग जाता है,
तो उन एरियाज के लिए ये प्रोडक्ट एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आपको घर के अंदर ये सारी सेवाएं मिल जाएंगी जो कि आपको अपने बच्चे की सेहत के बारे में बता सकें। अगर आपके बच्चे को बुखार है तो आप उसको उसमें रैप करके रख सकती हैं, या अगर आपका बच्चा, जैसे चाहत ने बताया कि प्री मेच्योर बॉर्न है, तो एक उसका ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। तो आई थिंक ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि घर घर तक अगर पहुँच सके तो हम कम से कम 20% न्यू बॉर्न बेबीज के जो डेथ रेट है उसमें कमी ला सकता है। और सबसे बड़ी बात मुझे इसमें ये लगती है कि इसको एक बार यूज़ करने के बाद आप दोबारा और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे चलो बच्चा बड़ा हो गया, उसको नॉर्मल वार्मर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आ रहे हैं ठंड में यूज़ करने के लिए, आप उसको उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और उसका जो साइज़ है वो एडजस्टेबल है, तो बच्चा अगर बड़ा होता है ब्लैंकेट भी साथ साथ में उसको हम बड़ा कर सकते एडजस्ट हैं, करके आप उसकी एडजस्ट कर लेंथ सकते हैं लेंथ बड़ी उसकी कर लेंथ। सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि ये रीयूजेबल है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक बार खरीदा तो आप उसको सालों सालों तक यूज़ कर सकते हैं, और आपके काम की चीज़ है। ये नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हो रहा है, नहीं, आप उसको घर में भी नॉर्मल ब्लैंकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, धो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो ये बेहद ही खास प्रोडक्ट है जो चाहत मसीह ने बताया कि कैसे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, और इससे हम बच्चे 20% बच्चों को हम बचा पाएंगे। इसके अलावा आप एक और प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे जो किसानों के लिए है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। मैंने इसको नाम दिया है इस प्रोडक्ट को रोबोफ्लाई। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ 6 छोटे छोटे ड्रोन्स बनाए हैं जिनके नाम है इको फ्लाई, रोबो फ्लाई, बी बज। सो बेसिकली इन छोटे ड्रोन्स को साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है नैनो ड्रोन। नैनो ड्रोन मतलब कि एक ऐसा उपकरण जो कि उड़ सके, जिसका वजन जो है वो 300-400 ग्राम हो और मेरी हथेली से भी छोटा हो। अब क्वेश्चन ये उठता है, एक इतना छोटा खिलौने जैसा दिखने वाला उपकरण क्या कर सकता है? तो ये उपकरण कमाल कर सकता है। कैसे? आपको पता होगा कि भारत का करीब 65 से 70% जो इकोनॉमी है वो किसानों पे या खेती पे बेस्ड है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे किसानों को बहुत भारी लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि कोई बीमारी उनके खेत में आ गई है। जैसे 2-3 साल पहले टिड्डी दल का एक अटैक हुआ था जिसने पूरे राजस्थान, एमपी की सारी फसलों को खराब कर दिया था। लेकिन अगर हमारे किसानों को शुरुआत में ही पता चल जाता कि अच्छा, ये 2-3 पत्तियां टिड्डियों ने खाई हुई है, मतलब कि टिड्डी दल का अटैक हो सकता है, और अगर वो खुद को बेहतर प्रिपेयर कर लेते तो शायद हम उस नुकसान से बच सकते थे। तो कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे जिन्होंने हम लोग को इंस्पायर किया कि एक इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करी जाए जो कि खेतों में हर जगह पहुंच सके, जड़ों तक पहुंच सके, पत्तियों तक पहुंच सके, फलों तक पहुंच सके, और अगर कहीं भी कोई बीमारी आ रही है, कोई कीड़ा लगा हुआ है, या फिर कई बार पोषण की कमी से भी पौधों की मृत्यु होने लगती है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे सेम जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, तो अगर इस तरह की किसी कमी से पौधों की बढ़त नहीं हो पा रही है तो वो चीज़ हमें पता चल सके। इसीलिए इस नैनो ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने डेवलप कराया। इसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी कैमरास लगे हैं जो कि छोटी से छोटी भी बीमारी हो, या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, या फिर किसी कीड़े का अटैक हो, उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और किसान को तुरंत उसके लैपटॉप पे या फ़ोन पे अलर्ट आ जाता है कि आपके खेत में टिड्डी दल का अटैक है, या फिर आपके आम के अंदर जो है वो कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है, या फिर आपके नींबू के पौधे के अंदर सिट्रस कैंकर है और आपको ये दवाई इतनी मात्रा में स्प्रे करनी चाहिए। हमने एक स्प्रेइंग मशीन भी बनाई है जिसका रिसेंट हम लोग को अमेरिका में पेटेंट मिला है, उसका नाम है इंटेली स्प्रे। वो एक ऐसी स्प्रेइंग मशीन है कि पौधे को जितनी मात्रा में फर्टिलाइजर चाहिए वो उतनी मात्रा में ही देगा। जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाब के अंदर जो है वो करीब 20% ज्यादा फर्टिलाइजर स्प्रे किया जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी दवाइयाँ पौधों में डाल रहे हैं उनको उतनी मात्रा में ही डाला जाए जितना कि रिक्वायर्ड है। इसीलिए ये जो हमारे स्प्रे है इंटेली स्प्रे, वो उतनी मात्रा में ही दवाई डालता है जितनी मात्रा में रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा वो खेत में आके बढ़ जाता है और उसी पौधे में दवाई डालेगा जिसमें ज़रूरत है, जो पौधा हेल्दी है उसमें वो नहीं डालेगा। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है नैनो ड्रोन और इंटेली स्प्रे, एक तरह से हमने किसानों की सहायता के लिए बनाया है ताकि उन्हें बहुत
अर्ली स्टेज पे पता चल रहा है कि पौधे में अगर कोई दिक्कत आ रही है और उसकी रोकथाम करी जा सके। और अगर आप एक बड़े ड्रोन की बात करें जिसको कि हम फर्टिलाइजर स्प्रे या फिर बीज डालने के काम में लेते हैं, उसकी कीमत कुछ 70 से 80 हज़ार आ रही है। लेकिन जो हमारा छोटा नैनो ड्रोन है, जो कि एक तरह से सहायक ड्रोन भी जिसको आप कह सकते हैं, उसकी कीमत कुछ 5.5 हज़ार या 5 हज़ार आ रही है। तो अगर आप एक हेक्टेयर के खेत में ऐसे 5 ड्रोन्स भी ले लेते हैं तो आई थिंक आप आने वाले 20 साल तक बहुत उन्नत तरीके से खेती कर सकते हैं। ये जो आपने प्रोडक्ट बताया, इसकी क्या कॉस्ट होगी और कैसे लोगों तक पहुंचेगा, कब मार्केट में आएगा, कैसे वो ले सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ये प्रोडक्ट अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अभी हम लोग इस पर थोड़े सी और रिसर्च कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो फोटोज़ ये ड्रोन कैप्चर कर रहा है वो और एक्यूरेट तरीके से रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करें। तो मुझे लग रहा है कुछ अगले साल तक या इस साल के एंड तक भी हो सकता है ये प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए। इसकी फ़िलहाल कॉस्ट कुछ 5 हज़ार पर यूनिट के करीब है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा आने वाले टाइम में शायद इसकी कॉस्ट 3.5 हज़ार या 4 हज़ार तक भी हो सकती है। ऐसा टाइम है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और उसमें लोग काफ़ी आगे की बातें करते हैं कि ऐसा होगा वैसा हो, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें किसानों के लिए ये चीज़ लेकर आनी ही चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसान है तो हम हैं, ये नारा बहुत पहले भारत में आ गया था, जय जवान जय किसान, और उसमें एक और चीज़ ऐड हो गई थी, जय विज्ञान। तो आई थिंक हमने इसी चीज़ को फॉलो करते हुए विज्ञान और किसानों के लिए कुछ करने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर किसान उगाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे। तो अगर हमें भारत को एक बेहतर देश बनाना है, एक विकसित देश की श्रेणी में उसको लेके आना है, तो जो हमारा जो फार्मिंग सेगमेंट है या जो रूरल सेगमेंट है उसका अपलिफ्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो आने वाली नई पीढ़ी है, जैसे मैं चाहत का एग्जांपल देखती हूँ कि जो आने वाली नई पीढ़ी है वो इस बात को समझती है और इस तरह के इन्वेंशंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस तरह के इन्वेंशन से कम्युनिटी को, भले ही वो कम्युनिटी महिलाओं की हो, भले ही किसानों की, उनको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। जॉली जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि टेक्नोलॉजी अब देखिए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लोग इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, पर आप किस तरीके से देखते हैं कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी लोग के लिए बेनिफिशियल है या फिर थोड़ा सा लिमिट में होनी चाहिए वो? मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी जो है वो चीनी की तरह है। अगर चीनी उतनी मात्रा में डाली जाए कि बस उसकी मिठास बनी रहे तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर चीनी इतनी ज़्यादा हो जाए कि हमें डायबिटीज़ हो जाए तो वो चीज़ ख़राब है। सेम चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ है। जब तक टेक्नोलॉजी आपको एक बेहतर जीवन जीने में मदद कर रही है वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अपना जीवन ही पूरा टेक्नोलॉजी के आधार पर बिताने लग गए, जैसे कि आजकल के बच्चे फ़ोन से हटना ही नहीं चाहते, बाहर जाके नहीं खेलना चाहते, भाई बहनों के साथ नहीं खेलना चाहते, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो मानव के लिए बनी है, मानव टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास बातचीत करने के लिए। आपने बहुत कुछ जानकारी दी, AI टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ चर्चा की। कैमरामैन जयपाल के साथ मैं पूजा दुबे, जयपुर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।